हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज वी ऑल नो कि बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स, बिकॉज नवंबर तो वी कांट काउंट दैट मंथ फॉर द प्रिपरेशन। इसमें आपकी दिवाली है, भैया दूज है, कितने फेस्टिवल हैं, तो इसमें बहुत सारा समय हमारा नवंबर का मंथ ऐसे ही निकल जाएगा। सो वी कैन काउंट इट फ्रॉम द डिसंबर, जैन एंड फेब। मार्च में होपफुली एग्जाम विल बी देयर। तो ऐसे में इतने कम समय में 3 मंथ्स के अंदर कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका जो रिजल्ट है दैट शुड बी द बेस्ट रिजल्ट फॉर एवर। आपके अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी क्लासेस आपने पास की, उन सब में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर होगा तो वो कौन सा होगा? आपका +2 बोर्ड का एग्जाम। अब उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बेस्ट रिजल्ट से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उसमें सबसे पहले आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम लर्न करते हैं फिर भूल जाते हैं। हम लिख कर भी प्रैक्टिस करते हैं, याद भी करते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड मोमेंट रिजल्ट क्या रहता है उनका? फिर वही 30-40-50%। फिर कहीं ना कहीं उन्हें डिप्रेशन होता है और वो डिप्रेस होकर ये कहते हैं कि कितना भी पढ़ लो मैं तो मेरे मार्क्स तो ज्यादा आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके वो मेहनत करते हैं बट दे डोंट नो द राइट पाथ टू, कि उनको सही तरीका क्या है हार्डवर्क करने का, सही तरीका क्या है जिससे कि वो जितना समय दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो अचीव कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी आपको बेस्ट रिजल्ट लाने से नहीं रोक पाएगा, बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन करने से आपको नहीं रोक सकता। सबसे पहला क्या है, जब भी आप पढ़ने, क्योंकि 3 मंथ्स है तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी की शुरुआत नहीं की है, अभी तक आप रिलैक्स थे, मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रिलैक्स रहते हैं एग्जाम के नज़दीक उन्हें टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि अब क्या करें, तो ऐसे में सबसे पहले आप ये देखिए, अपनी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाइए कि इतने से इतने मुझे ये करना है, इतने से इतने ये। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि आप अपना बेस्ट टाइम टेबल भी कैसे बना सकते हैं। अब टाइम टेबल बनाते हुए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस चीज़ की शुरुआत करें, डोंट काउंट द आवर्स लेफ्ट, क्योंकि मोस्टली बच्चे टेंशन में आकर ये सोचते हैं अब तो 3 महीने रह गए, इतने से कम समय में हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपका टोटल सिलेबस कितना है, कितने टॉपिक्स हैं जो आपको अभी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, राइट। सेकेंड थिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, सोसाइटी में टीचर्स, एवरीवन इज सेइंग कि मोबाइल दैट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव एज अदर से, मेरी नज़र में वो डिस्ट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन सब लोगों का ये मानना है कि डिस्ट्रैक्शन का अगर सबसे बड़ा सोर्स है तो दैट इज़ द मोबाइल। अब मोबाइल को हम डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं मान सकते, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, एवरीथिंग इज़ इन आवर मोबाइल, इंटरनेट से हम कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से जब तक हम सर्च नहीं करेंगे, डाटा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग बेस्ट परफॉर्म भी नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छे नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए भी वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ऐसे में क्योंकि इंटरनेट हमारी स्टडी के लिए, बेस्ट स्टडी के लिए एक बेस बन चुका है, तो हम उसको एक तरफ नहीं कर सकते। सिर्फ ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। ज़रूरत है कि आप जब सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जब आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो केवल और केवल अपना समय फिक्स कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आपने उसी में रखना है। अपने टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें जो लिमिटेड आवर्स आपने फिक्स किए हैं कि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद, 4 घंटे पढ़ने के बाद आपको आधा घंटा या 1 आवर जो है आपको मोबाइल में दोस्तों से चैटिंग करनी है, फेसबुक पर कुछ करना है, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें एक चीज आपको फॉलो करनी है, दैट इज योर डिसिप्लिन, कि अगर आपने उसमें आधा घंटा फिक्स किया है, 1 आवर फिक्स किया है, तो उसके ऊपर 1 सेकंड भी आगे नहीं होना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपने मोबाइल से, नेट से जो सर्च करना था वो सारा मैटर आप सर्च कर चुके हैं, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दैट मोबाइल, तो उस समय में पढ़ते हुए उस मोबाइल को अपने पास मत रखिए, उसे अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, कहीं बाहर रख दीजिए, छुपा दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ भी कीजिए कि जिससे कि आपका ध्यान उस मोबाइल की तरफ ना जाए, राइट। दैट्स
दैट ओनली दैट थिंग यू हैव टू डू। तो अगर आप अपने पे कंट्रोल कर लेंगे, अगर आप ये मान लेंगे कि सिर्फ उसी समय में ही हमें देखना है, उसके बाद नहीं देखना, तो ये मोबाइल यकीन मानिए सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का सोर्स ना रहकर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन का सोर्स बन जाएगा। अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ तो डिस्ट्रैक्शन में दो चीज़ें हैं मेनली, दो दीवारें हैं, दो वॉल्स हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करती हैं। वो क्या है? एक तो दूसरे लोगों की बातें और एक आपके खुद की बातें जो आप दूसरों से सुनकर उनकी बातों के आधार पर आप अपने अंदर बिठा लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे, आपने मोस्टली देखा होगा कि टीचर्स, आसपास के इवन पेरेंट्स कई बार कहते हैं ये तो किसी काम का नहीं है, इसके बस का है ही नहीं, ये तो हमेशा इतने में ही रहता है, इसको जो मर्जी कर लो ये कभी लर्न कर ही नहीं सकता। तो ये बातें कई बार जो है, अगर कोई आपसे बोले कि ऐसा, तो उनको पूछो क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन आप बजाए उन्हें एक चैलेंज लेने के, बजाए उनसे क्वेश्चन करने के, आप क्या करते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि ये भी कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, टीचर भी बोल रहे हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं मैं नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कि मैं कभी भी नहीं कर सकता। तो वो जो चीज़ है ना, आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। ये आपका मेन डिस्ट्रैक्शन का तरीका, वो है यू कैन से कि फैक्टर है जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को पूरा उसमें डुबोने की कोशिश करते हैं, तो इमीजिएटली आपको रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं, मेरे बस का तो है ही नहीं, इसको निकाल दीजिए, बी पॉजिटिव, राइट। इसके अलावा अगला काम जो आपको करना है, दैट इज़ नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स, नोट्स क्या है, आप जितने नोट्स बनाएंगे, जितना लिखेंगे, तो आप यकीन मानिए उतना ही वो कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। नोट्स बनाइए, जगह जगह से मैटर कलेक्ट कीजिए, लेकिन ज़्यादा मैटर कलेक्ट करने के पीछे मत भागिए कि वहाँ से भी ले लो वहाँ से, नहीं, लिमिटेड, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस की डिमांड है, ओनली अप टू दैट लेवल, राइट। क्योंकि अभी हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे। तो उसके बाद नोट्स बनाने के बाद मेक योर फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड्स में आपको केवल टॉपिक की हेडिंग्स लिखनी है। आपने कोई क्वेश्चन लर्न किया है, उसके क्या बनाएंगे, मेन पॉइंट्स। वो पॉइंट्स आप एक एक कार्ड पर लिखते जाइए। उससे क्या होगा, आप कहीं पर भी जर्नी में भी जा रहे हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं फ्री बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मीनवाइल आप उसमें से वो फ्लैश कार्ड उठा उठा के अपने पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। पॉइंट आपको मिल गया तो आप बैठे बैठे उसको माइंड में रिवाइज कर सकते हैं, तो वो आपकी रिविजन होती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, दैट इज सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चंस यू कैन। एक बार पूरे सिलेबस, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपके लेफ्ट है सिलेबस के, आपने हर सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार कर लिए, उसके फ्लैश कार्ड्स तैयार कर लिए, तो आपका अगला काम आ जाता है रिवीजन। अब जब आप फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने एक बार पहले नोट्स बनाए, आपका टॉपिक, आपका कंसेप्ट पूरे अच्छे से आपको रिवाइज हो गया। सेकेंड टाइम आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए, फ्लैश कार्ड जब आप बना रहे हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए आप पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आपको पूरे का पूरा लिख लिख कर देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है रिवीजन? क्योंकि ऑलरेडी आपके इतने रिवीजन हो चुकी है, नोट्स आपने जब एक बार अंडरस्टैंड किया कंसेप्ट को, किसी के उससे सुना समझा, दूसरी बार फिर आपने उसके नोट्स तैयार किए, फिर आपने फ्लैश कार्ड्स तैयार किए, राइट। तो आपने कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना है रिवीजन के लिए, यू हैव टू ऑप्ट 10% फॉर्मूला। 10% फॉर्मूला का मतलब क्या है, पूरा क्वेश्चंस रिवाइज करके केवल रिटन प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, राइट डाउन ओनली मेन हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स, नो नीड टू राइट इन डिटेल, क्योंकि वो सिर्फ, अगर आपको वो डिटेल तो ऑलरेडी आपको लर्न हो चुकी है, सिर्फ आपको पॉइंट्स लर्न होने चाहिए, वो आपके पक्के होने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द, वो जो आपकी लर्निंग है उसको रिकॉल कर सके कि कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या क्या हेडिंग्स थी, क्या कंसेप्ट था, क्लियर। तो डोंट, नो नीड टू राइट द फुल क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन द मेन पॉइंट्स। लेकिन ये पॉइंट जहां आपको सिर्फ 10% फॉर्मूला ऑप्ट करना है, ये होगा आफ्टर द नोट्स प्रिपरेशन, आफ्टर द फ्लैश कार्ड प्रिपरेशन, राइट। फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर बात की है, चाहे फ्लैश कार्ड्स की है, चाहे नोट्स की है, चाहे 10% फॉर्मूला की है, चाहे सोशल मीडिया की, किसी भी चीज़ की जो भी हमने बात की, इन सब में ये सब बेकार हैं अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, बी सुपर पॉजिटिव, हमेशा सुपर पॉजिटिव रहिए। आपके माइंड में जब भी ये बात आने लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता,
अपने को समझाइए, मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं। दिन में 4-5-10 बार जब भी उठते बैठते अपने माइंड में एक वर्ड हमेशा गूंजता रहे आपके, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता। इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो अगर इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं। जो आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक स्लिप पर बड़ा बड़ा लिख कर लगा दीजिए, आई कैन डू, आई मस्ट डू। देखिए आते जाते आप उसे पढ़ेंगे तो बट नेचुरल है, एक शब्द जब बार 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 आप उसको पढ़ेंगे आप में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो वो पॉजिटिविटी आपको एक बेस्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगी जो हेल्पफुल होगी आपका बेस्ट रिजल्ट लेने में, बेस्ट स्कोर ऑब्टेन करने में। दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो आप इन पॉइंट्स को, इन छोटे छोटे टिप्स को एक बार ऑप्ट करके देखिए, एक बार इनको अपना कर देखिए। इट्स माई गारंटी दैट 100% यू विल स्कोर बेस्ट। अगर आपके अब तक 30-40-50% मार्क्स आते रहे हैं तो इस बार डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 90% मार्क्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे 100% भी स्कोर कर ले। एंड होप यू ऑल विल फॉलो दीज टिप्स एंड डू योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट।